देखो, सबसे पहला हम यहाँ पे आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, आयरन कनेक्टर या फिर प्रेस कनेक्टर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऐसे समझो कि इस एडेप्टर को तुम समझ रहे होगे। ठीक है, ये एडेप्टर तुम्हारा कैसा, मतलब कहने जब तुम देखते होगे ना कोई, मतलब क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे समझो कि जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेते हैं या कोई लैंप हो गया, तो उसको चार्ज करने के लिए इस टाइप के पिन का यूज करते हैं। ध्यान दिए होगे, इस टाइप का पिन जिसमें हम एसी सप्लाई में उसको डायरेक्ट हम उसमें इन करते हैं। ठीक है, तो उस केस में ये काम आता है। तो क्या हो गया है, तो ये भी एक मतलब प्लग के रूप में, लेकिन ये कुछ अलग तरह का प्लग है। प्लग में क्या होता था, दो पिन निकला होता, वो या तो मेल या तो फीमेल। ये फीमेल के केस में है, लेकिन ये मतलब बोल सकते हैं ना कि एज अ चार्जर के रूप में काम आ रहा है। ठीक है, तो इसी को बोले कि कनेक्टर, दो पिन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको कनेक्टर नाम दे दिए, इसको हम प्लग भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका नियम लिखा हुआ है, चलो इस टाइप का अगर पिन रहेगा तो इसको हम आयरन कनेक्टर या प्रेस कनेक्टर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिना मर्जी से सब नियम रख देता है तो रख देता है। अगर इसके बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये यूज क्या होता है, यूज एज अ फीमेल कनेक्टर। टू सप्लाई करेंट टू इलेक्ट्रिक कैटल्स, प्रेसेस, हीटर्स, इटीसी। ठीक है, कहने का मतलब हो गया, हम देखो हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग का बात कर रहे हैं, तो हम डीसी का तो बात करेंगे नहीं। ठीक है, डीसी में तो ये धड़ल्ले से यूज होता है, वहां पर डीसी को, एसी को डीसी में बनाने के लिए हम पहले उसमें एसी सप्लाई दे देते हैं, मेरा इक्विपमेंट जो डिवाइसेस है उसी के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसको डीसी में चेंज करता है, वो सब जो भी कहानी है, हम यहाँ पर डायरेक्ट एसी के साथ खेल रहे हैं। तो कुछ कुछ मतलब होता है ना कि हम उसमें डायरेक्ट सप्लाई देते हैं, कुछ जैसे हीटर हो गया, अब हीटर तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, मतलब डिवाइसेस है, डिवाइसेस है तो हम उसका सप्लाई में क्या होता है ना कि किसी किसी में वायर साथ में, वायर्ड मतलब डिवाइस होता है, कोई होता है कि वायर्ड होता है लेकिन उसको एज अ कनेक्टर दे दिए कि हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो ज्यादा स्पेस ना ले, जब जरूरत पड़ेगा तो उसमें वायर हम लगाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगा तो वायर हम, जरूरत नहीं है तो उससे वायर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कनेक्टर लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में एक आयरन कनेक्टर होता है जिसको हम लोग जनरली हीटर, प्रेसेस, केटल्स जैसे में यूज करते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ज्यादा इस पे समय नहीं देते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर बस ऐसे समझो कि कोई भी, जब हम गली मोहल्ला में जब हम लैंप लगाते हैं या बल्ब लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर कवरिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो कवरिंग करते हैं उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टर। जैसे देखो इस प्रकार का कवर होता है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टर है। ठीक ना, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एक लाइन लिख देते हैं, ज्यादा नहीं, शेड्स और रिफ्लेक्टर इज टू गिव हिम इल्यूमिनेशन एंड प्रिवेंट डायरेक्ट ग्लेयर फ्रॉम द फिलामेंट। देखो ये थोड़ा सा अलग लैंग्वेज लिखा, हम लोग इसमें क्या करते हैं,
हम लोग जनरली इसके रिफ्लेक्टर का यूज क्यों करते हैं, रिफ्लेक्टर का यूज करेंगे ताकि हम अपने बल्ब को, जो बल्ब भी होता है, उसको हम डस्ट से बचा सके, उसको बारिश से बचा सके, उसको बोल सकते हैं ना कि ऐजा जब किसी प्रकार का मान ले जाए हमें कि लाइट को होता है ना कि इधर उधर जो मतलब फैल रहा है, तो उस लाइट को हम रिफ्लेक्ट कर सके ताकि टोटल लाइट एक जगह पे वो जा सके, एक फिक्स मतलब बोल सकते हैं स्थान पे वो फैल सके, उसके लिए यूज करते हैं। नाम ही रिफ्लेक्टर, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। तो बस नाम याद रखो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्यूजेज पे। तो हम लोग फ्यूजेज पे तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो फ्यूज है ना, ये आता है प्रोटेक्शन डिवाइसेस में, प्रोटेक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का पार्ट अभी हम पढ़ेंगे नहीं, हम बस एज ऐसे सीरीज पढ़ रहे हैं, तो हम बस इसका नेम हम ले रहे हैं, ठीक है। हम ये जो मेरा टॉपिक है ना, वो टोटल एसी सीरीज का है, तो हम हर एक एसी सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब प्रोटेक्शन का पार्ट होगा तो प्रोटेक्शन में इसको एक्सप्लेन, डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, एकदम इसके अंदर जाएंगे कि कितने प्रकार का फ्यूज होता है, कौन कौन कैसे क्या काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो सब पे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस नॉर्मली डिस्कस करते हैं फ्यूज। तो फ्यूज है क्या, अगर इसके बारे में अगर हम देखें, देखो मेरा वॉइस ऑडिबल है, कह सर रहा है। तो अगर हम इसका डिफिनेशन मान ली लिखे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट एंड प्रोटेक्ट द अप्लायंस। ठीक है, अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, तो डैमेज होने से, फ्रॉम डैमेज व्हेन एबनॉर्मल करेंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, अगर किसी प्रकार का फॉल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फ्यूज अगर माने शॉर्ट सर्किट हुआ, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो वायर मेरा हीट होगा, अगर वायर हीट होगा उससे ज्यादा करंट पास करना स्टार्ट करेगा तो वो उसमें उस केस में वेल्ट हो जाएगा और वो टूट जाएगा, तो क्या क्या प्रोटेक्ट करने का काम किया, ठीक है, डैमेज होने से बचा लिया, डिवाइसेस को सेव कर लिया, तो इसके लिए हम फ्यूज का यूज करेंगे। लेकिन इस फिगर में जो तुमको फ्यूज दिख रहा है ना, हम बस इस फ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, अब इस लेक्चर में हम सिर्फ इसी फ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के बाद से जिसको भी नहीं पता है कि इस फ्यूज को हम कौन सा फ्यूज बोलते हैं, आज से उसका नाम याद रखो। इसको हम लोग बोलते हैं किट कैट फ्यूज, ठीक है, आज से ध्यान रखना है, अब सिर्फ फ्यूज नहीं बोलेंगे, ठीक है, इस फ्यूज को बोलते हैं किट कैट फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो किट कैट फ्यूज यूज कहाँ होता है, हम एक टॉपिक का नेम दे देते हैं किट कैट फ्यूज। देखो ये जनरली यूज होता है घरों में ही, डोमेस्टिक पर्पस में ही इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इसका यूज करते हैं, लार्ज मतलब साइज इसका अगर बढ़ा देंगे तो इसका रेटिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल में भी इसका यूज होगा, कॉमर्शियल में भी यूज होगा और डोमेस्टिक पर्पस में भी इसका यूज होगा। तो पहले यूज किया जाता था, अब इसका यूज धीरे धीरे एकदम घटते जा रहा है, ठीक है, यूज्ड इन
डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। और भी बोल सकते हैं, ये जो किटकैट फ्री होता है वो किससे बना होता है, तो इसका मटेरियल का नाम याद रखो, कंसिस्ट ऑफ पोर्सेलिन। देखो हम बहुत सारा, जो तुम्हारा जितना भी आ रहा है ना, दो ही चीज में घूम रहा है, पीवीसी, वीआईआर, पोर्सेलिन और बेकेलाइट। जितना भी हम बात करेंगे ना, यही चारों का जनरली यूज होता है। तुम्हारा वायर पीवीसी का बना होता है, तुम्हारा जो अप्लायंस है, जो तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट का डिवाइसेस है, वो या तो बेकेलाइट का बना होगा या तो पोर्सेलिन का बना होगा। ठीक है, इतना ही तो ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, बाकी तुम लोग पढ़ ही रहे। तो जब कभी ऐसा आ जाएगा ना कि एग्जाम में लिखने का बारी आ जाए, कि अब हमें बताना है कि अब डिवाइसेस किस चीज का बना होता है या वायर किस चीज का बना होता है, तो हमेशा ध्यान रखो, वायर का अगर तुम लिखना चाहोगे वायर किस चीज का बना होता है, वहां पे तुम पीवीसी डाल देना, कोई गलत नहीं करेगा। अगर अगर उसमें किसी प्रकार का टाइप्स को एड नहीं करना है तो ठीक है। अगर हमको डालना है किसी अप्लायंस किस चीज का बना होता है, तो अगर चीनी मिट्टी का बात करेंगे तो पोर्सेलिन ले लेना, ठीक है, अगर चीनी मिट्टी के टाइप का हो। अगर देखना कि वो कुछ प्लास्टिक के टाइप का है तो बेकेलाइट मार देना, हो गया कहानी खत्म। नेक्स्ट का अगर हम बात करें, पोर्सेलिन और लिख देते हैं बेस हैविंग फिक्स कॉन्टेक्ट टू विच आर नहीं, इसको थोड़ा सा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टेड द इनकमिंग एंड आउटगोइंग केबल्स ऑफ द लाइव वायर। अब एक चीज को समझो, यहां पे क्या बोला, ये जो पोर्सेलिन का बना उसपे क्या होता है, उस पे दो कॉन्टेक्ट फिक्स होता है, ठीक है, उसपे जो है दो पिन फिक्स होता है, एक तुम्हारा मतलब इसमें क्या है, ये पोर्सेलिन का बना हुआ है, इसमें मेरा एक कांटेक्ट ये है, एक कांटेक्ट ये है, बीच में हम फ्यूज वायर को लगाए, ठीक है, और ये क्या किया, आपस में एक कांटेक्ट बनाया, और ये जो कांटेक्ट है, इधर से जो लाइन आया और इधर से जो आउट हुआ, ये कौन सा लाइन आउट हो रहा है, ये लाइव वायर आउट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वायर आउट हो रहा है। तो हमेशा फ्यूज में ना, हमेशा कोशिश करना है कि पॉजिटिव वायर ही डाले, तब ये प्रॉपर प्रोटेक्शन ये दे पाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा फिक्स कांटेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, ये तुम्हारा मेल्टिंग फ्यूज हो गया, या मेल्टिंग वायर बोल सकते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये पोर्सिलिन का मटेरियल है, पोर्सिलिन का मटेरियल है, ठीक है, यही सब तो है, और तो कुछ है नहीं इसमें। चलो फिर अब हम इसके बारे में, अगर हम और थोड़ा सा अगर हम बात करें, इसका थोड़ा सा एडवांटेज अगर हम देख लेते हैं, एडवांटेज इसका क्या है, इसका एडवांटेज है सबसे पहला कि ये तो कॉस्ट ज्यादा होता नहीं है, ये मतलब सस्ते में हमको मिल जाता है, तो वेरी चीप टू रिप्लेस द फ्यूज वायर। अगर फ्यूज वायर खराब हुआ तो हम बहुत आसानी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे किसी प्रकार का डैमेज का खतरा नहीं होता है, क्योंकि ये पोर्सलिन मटेरियल का बना हुआ है, तो हमें इसमें ज्यादा इंसुलेशन का खतरा नहीं है, लीकेज करेंट का खतरा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम उसके बारे में अगर हम लिखें, फैसिलिटेट्स द
एजी रेन्यूअल ऑफ द फ्यूज वायर एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी डेंजर ऑफ कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ इट। ठीक है, जितना बोले वही चीज यहां पे लिख दिए। लास्ट एडवांटेज इसका होता है मेटालिक कवरिंग, क्योंकि इसमें तो पोर्सिलिन का यूज है, तो हमको कोई मेटालिक कवरिंग का ऐसा कोई हमको डर नहीं होगा कि हम इसमें मतलब जो भी हम वायर पास कर रहे हैं जिसमें किसी अर्थिंग का चांस हो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। हम बोल सकते हैं डज नॉट इन्वॉल्व एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ द मेटालिक कवरिंग। ठीक है, चलो है, रहने का तो डिसएडवांटेज भी इसका है कि फ्यूज मान लिया उड़ गया तो बार बार इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कितना फ्यूज चेंज करोगे? तो अब मेरे पास एडवांस टेक्निक आ चुका है तो हम उसके जगह एमसीबी का भी यूज करेंगे, क्योंकि जब भी कभी फॉल्ट आएगा तो उसका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा और फिर जब उसके फॉल्ट को दूर कर लेंगे तो फिर उसको वापस उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में उसका कॉस्ट हाई होता है, लेकिन फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उस केस में कॉस्ट मेरा कम पड़ जाता है, फिर मतलब दोबारा फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज हमारे हर एक जगह मिलेगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इंसुलेटर। अब यहां से ध्यान देना, ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इंसुलेटर करता क्या है? तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, इंसुलेट ही करेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को। इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है वो मतलब बोल सकते हैं कि वो तुम्हारा कंडक्टर हो या फिर कोई डिवाइसेस हो, जो भी है आपस को इंसुलेट करने का काम करता है। तो इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें देखो, अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द flow of electron through them is called insulator। ठीक है, तो डिफिनेशन में ज्यादा टाइम देते नहीं है, समझ में सबको आ ही गया होगा। जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करता है वो इंसुलेटर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, कितना एग्जाम्पल लिखे। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें, सबसे पहला आता है माइका। ठीक है, उसके बाद आता है पोर्सेलिन, फिर ग्लास, रबर, और क्या लिखें, पोर्सेलिन हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, बेकेलाइट, मैं नहीं छूट गया था बेकेलाइट, और कुछ लिख सकते हैं? किसी के माइंड में कुछ और आ रहा है इंसुलेशन इंसुलेटर के रूप में? माइका लिख लिए, पोर्सिलिन लिख लिए, पेपर, रबर हो गया, रबर हो गया, पोर्सिलिन लिख लिए, चलो बाकी आएगा तो फिर देखेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत सारा चीज पढ़ना है। ये सब मेरा इंसुलेटर हो गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अपना जैसा ऐसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार उसको यूज करेंगे। सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है। अब बात आता है कि जो हम लोग इंसुलेटर यूज करेंगे अप्लायंस में, उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो किस किस प्रॉपर्टी को हमें माइंड में रख करके हम इंसुलेटर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सबसे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा, क्वालिटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल।
देखो, क्वालिटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल का अगर हम बात करेंगे, उसमें सबसे पहला आता है कि ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब उसके बाद अगर दूसरा का अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबल के साथ साथ उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। हाई मतलब अच्छा खासा होना चाहिए, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंसुलेटर का अगर हम बात कर रहे हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। मेरा फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा ना, अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया और जिस कंडक्टर उसमें हम जिस कंडक्टर को इंसुलेट किए हुए हैं वो तो लीकेज करंट बना देगा, लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और मतलब बोल सकते हैं डैमेज का खतरा बढ़ जाएगा और डेंजरस भी हो जाएगा। तो मॉइस्चर तो एकदम जाना नहीं चाहिए, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं नन शुड बी नन एब्जॉर्प्टिव ऑफ मॉइस्चर। उसके बाद अगर हम बात करें, शुड बी इजिली मोल्डेड टू एनी शेप। कहने का मतलब हो गया कि हमें जो रिक्वायरमेंट है, जिस केस में इसको हम इंसुलेट करना चाहते हैं, उस केस में इसको हम आसानी से मॉडल कर सकें। ठीक है, किसी किसी में होता है, मशीन में क्या होता है कि पूरा मतलब एक मतलब पट्टी के रूप में इंसुलेटर को लगाते हैं। ठीक है, कभी वायर को पूरा सर्कल में कवर करते हैं, कभी पूरा, कभी लार्ज एरिया में कवर करते हैं, तो उसके अनुसार इंसुलेटिंग मटेरियल भी होना चाहिए। पता चला कि इंसुलेटिंग मटेरियल इतना हार्ड है कि उसको हम मतलब गोल गोल हम उसको कवर ही नहीं कर पा रहे, सर्कल में उसको कवर ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि किसी वायर को उसको हम मतलब आपस में इंसुलेट ही नहीं कर पा रहे, टूट जा रहा है, मतलब इंसुलेट तो कर रहा है लेकिन जैसे ही उसको मोड़ते हैं वो टूट जाता है, या फिर उसका साइज फिक्स है। तो साइज फिक्स है तो फिर हो गया कि ये सिर्फ मतलब किसी खास इंस्ट्रूमेंट में काम आएगा। तो मेरे पास जो इंसुलेटिंग मटेरियल है अगर वो हर एक में काम आ जाए तो बेटर है, उसके लिए हर एक इंसुलेटिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग उसका साइज भी चेंज हो जाना चाहिए, मतलब हो जाए तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, नॉन इनफ्लामेबल होना चाहिए, फायर से प्रोटेक्ट करना चाहिए इसको, नॉन इनफ्लामेबल उसके कोई केमिकल से इफेक्ट ना पहुंचे, इससे शुड नॉट बी किसी केमिकल के साथ रिएक्ट ना करे, अफेक्टेड बाय एसिड एंड या फिर और अल्कलीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अच्छा इसी में भी और है, इसी में कर देते हैं, चाहे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है ना वो हाई होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हाई रहेगा तभी तो इंसुलेट करेगा, ये तो नहीं भी लिखेंगे तो ये होना ही है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इतना पॉइंट को याद रखो, काफी है। नेक्स्ट हम लोग का आता है, बारी बारी से हर एक चीजों को पढ़ते जाते हैं, कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। ठीक है, कि जो मेरे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है, अब बारी बारी से हर जितना भी एग्जाम्पल लिखे ना सबको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके खासियत को जानते हैं, आखिर उससे फायदा क्या है, कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है माइका। माइका का नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे,
कहीं पे देखी हो माई का यूज कहाँ होता है, कोई बता सकता है? हाँ किसी के ध्यान में है कि माई का यूज कहाँ होता है? रोहिणी बता सकती हो? क्या मेरा वॉइस नहीं जा रहा है क्या? अजीत मेरा वॉइस जा रहा है? ओके यस सर। ठीक है ठीक है। सुबह मेरा भाई जा रहा है? यस सर। ठीक है। मौसम मेरा भाई जा रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। चलो तो कम से कम देखो हम माइका का नाम लिए, तो माइका का देखे होगे तुम लोग, मतलब जैसे घर में जो आयरन होगा तो कोई कोई भी आयरन को मतलब खोल के देखो तो जो उसका बेस होता है ना, तो बेस के ऊपर एक माइका का प्लेट रखा मिलेगा, उसके ऊपर फिर तुमको कुछ उसका जो भी डिवाइसेस लगा हुआ होगा या फिर उसमें क्या बोलते हैं आयरन का रडू लगा होगा, वो सब तुमको उसी पे मिलेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि माइका तुमको क्या कर रहा है, वो दोनों को आपस में इंसुलेट करने का काम कर रहा है। तुम ट्रांसफार्मर में भी देखे होगे कि जब तुम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं उसमें भी कहीं कहीं तुमको दिख जाएगा, आपस में इंसुलेट करने के लिए उसका भी यूज कर लेते हैं, माइका का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा जगह भी देखने को मिला होगा, देखते होगे वो मतलब एक मतलब पेज की तरह देखेगा, पतला सा रहता तो वो मतलब स्टोन का है, लेकिन मतलब उसको जब ब्रेक करने की कोशिश करोगे जैसे लगेगा मतलब कि कोई मतलब बोल सकते हैं कि लकड़ी को तुम ब्रेक कर रहे हो, लेकिन उसका आवाज कुछ अलग तरीके से आता है। ठीक है, मतलब छोटा सा टुकड़ा में बदलना स्टार्ट करता है वो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं आखिर है क्या। अभी तक तो हम बस सिर्फ सुन रहे थे कि माइका आखिर होता क्या है, अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये माइका जो है वेरी गुड इंसुलेटर है। ठीक है, बहुत अच्छा इंसुलेटर है ये, किसी भी अप्लायंस में इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। एंड वाइडली यूज्ड एंड इंसुलेटिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इतना तो है कि अब माइका मेरे लिए नया वर्ड तो नहीं रहा, अब इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिया है। तो माइका एक अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा नहीं, बहुत अच्छा इंसुलेटर है जो कि हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को आपस में इंसुलेट करने के लिए, या फिर उसमें जो भी कोई कंडक्टर होगा उसको लीकेज करंट से बचाने के लिए वहां पे माइका का यूज करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा चीजों में काम आता है, ये बड़े बड़े अप्लायंस में काम आता है। ठीक है, बड़ा बड़ा डिवाइसेस में हम माइका का यूज करते हैं, छोटा मोटा डिवाइसेस में इसका यूज नहीं करते हैं, हर एक जगह इसका यूज होता है। नेक्स्ट मीटिंग को फास्टली ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जाहिर सी बात है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी हाई होगा, वेरी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका?